दोस्तों, हमने इतना सब बनाया, हमने आपके लिए एक पलक बनाया है जो कि आपकी बचत हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, एक नए धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जो कि एक पलक जल जाता है तो हम इसके बारे में सिखाने वाले हैं। दोस्तों, आज हम आपको ये पलक की ज़रूरत नहीं होगी, हम ऐसा बनाएंगे, ऐसा जुगाड़ बताएंगे आपको दोस्तों कि ये पलक की ज़रूरत नहीं होगी। अगर पलक आपका जल जाता है या आप कभी नया पलक खरीदते हैं या जल जाता है तो दोस्तों इसको हम रिपेयर नहीं कर पाते और नया लाते हैं, तो दोस्तों इसमें 5 रुपये जाता है। तो दोस्तों बार बार 5 रुपये हफ्ता में, महीने में या 2 दिन लगता है जलने में। दोस्तों बार बार आप पलक पलक लाकर परेशान हो जा रहे हैं। दोस्तों तो हम आज एक बेहतरीन जुगाड़ लेकर आए हैं। दोस्तों आज हम बेहतरीन जुगाड़ लेकर आए हैं, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको इसको बनाकर दिखाएंगे एक दूसरा जुगाड़। तो दोस्तों अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दें। दोस्तों लाइक बहुत कम जाता है मेरा वीडियो बनाने के, दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कुछ लाइक तो मिल ही जाए, तो दोस्तों प्लीज लाइक कर दें। तो दोस्तों और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम इस एक डिब्बा लेंगे जो कि आप देख सकते हैं बोरो प्लस का है, 10 रुपये का है। तो दोस्तों इसमें 10 रुपये का, इसके अंदर कुछ नहीं है, आपको दिखा दे रहे हैं, देखो दोस्तों इसमें सब खाली है। तो दोस्तों अब हम इसको साइड रखते हैं। अब इसमें जिस तरह से अगर यहाँ जल जाता है, पूरा इतना जल जाता है, तो दोस्तों हम इसको पूरा बहा देते हैं निकाल के और एक नया लगा देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसे नट को खोल लेना है कुछ इस तरह से, जिस तरह से हम खोल, तो दोस्तों इस तरह से खोल लेना है। तो दोस्तों इसको खोलने के बाद, दोस्तों इसे खोलने के बाद इस तरह से आपको दिखेगा, तो आपको इसे साइड रख देते हैं, तो आपको इसे बहा देना है। दोस्तों अगर आपका ये जला रहेगा तो आप क्या करेंगे, इसे बहा देंगे तो उसका कोई काम नहीं। दोस्तों अब हम इसको, इसी को कोई काम नहीं, यही मेरा दो काम का है, तो दोस्तों यही मेरा सही होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम इसमें जुगाड़ करेंगे और जो कि इसमें पलक बनाएंगे जो कि ये डिब्बा है। तो दोस्तों ये कुछ मटेरियल अभी बचा हुआ है, तो दोस्तों हम इसको साफ कर लेते हैं, तो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखो, हमने सारा मटेरियल इसका साफ कर लिया है। दोस्तों हमने धोया नहीं, इस तरह से पोंछ लिया है किसी कपड़े से, तो दोस्तों आप धो भी सकते हैं इसे, हमारे पास कम समय है तो हम इसे धोएंगे नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक बोर्ड लेना है जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से बोर्ड है यहाँ पर। दोस्तों आपको इस बोर्ड को इस तरह से रखना है। तो दोस्तों आपको इसका साइज इस तरह से देखना है किस तरह साइज है। तो दोस्तों जिस तरह साइज है तो हम पहले बिल करेंगे इसके लिए। तो दोस्तों आपको बिल करने के लिए इसका साइज इस तरह से नाप लेना है, आप यहाँ देख सकते हैं नीचे किस साइज से है। तो दोस्तों आपको इस तरह से नापने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से सोल्डिंग की मदद से यहाँ पर बिल करना है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ बिल कर देना है, दोस्तों यहाँ दिख जाएगा, तो आप यहाँ से इस तरह से बिल कर देंगे और दूसरा देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर है, ये इधर है, ये देखिए दोस्तों मेरा 2 बिल हो गया है। दोस्तों अब इसको हम हल्का बड़ा कर देंगे इस तरह से। तो दोस्तों इतना बड़ा करना है कि इसमें इस तरह से ये घुस जाए, तो दोस्तों इसमें इस तरह से घुस जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसका नट ओपन कर लेना है, हम इसको साइड, तो दोस्तों हम इसको साइड रख देते हैं। उसको साइड रखने के बाद दोस्तों अब हम इसका नट खोल लेते हैं कुछ इस तरह से। दोस्तों दोनों का नट ढीला कर लेते हैं। दोस्तों हमने दोनों का नट ढीला कर लिया है, अब इसमें हम इसको भी सेट कर देंगे जिस तरह से था। दोस्तों इसे अगर कड़ा रहे तो दोस्तों आपको और नहीं गलाना है, नहीं तो ढील पड़ सकता है। तो दोस्तों हम इसका उपयोग कर रहे हैं, आप पेचकस से ही इसे रगड़ के बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास सोल्डरिंग नहीं है तो आप किसी पेचकस की मदद से इसे बिल करके बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम अच्छे तरह से अंदर की ओर प्रेस कर रहे हैं, आप मेहनत देख सकते हैं दोस्तों। तो
तो दोस्तों अब मैंने इसमें लगा दिया है। अब हम इसको दोस्तों वायर जोड़ेंगे। तो दोस्तों वायर जोड़ने के लिए हमें इसमें भी करना होगा, होल्ड कर दीजिएगा। अब इस तरह से लगाएंगे तो यहाँ पर होल्ड करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर होल्ड कर लेते हैं। दोस्तों वायर जितना बड़ा निकल सके उतना बड़ा आप होल्ड कर लीजिएगा। दोस्तों हमने इस तरह से होल्ड कर लिया है। अब इसको हम साइड रख देते हैं, जरा इसे कट कर देंगे जो बाहर साइड है। दोस्तों इसका आरी वाला कट कर देना है। दोस्तों हमने इसमें भी होल्ड कर दिया है। तो दोस्तों अब हमें वायर की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों ये रहा मेरा वायर। अब हम इसको इसके अंदर कुछ इस तरह से लगा देंगे। चलो दोस्तों हम इस वायर को लगा देते हैं। दोस्तों वायर को लगाने के बाद पेज को इस तरह से कस देते हैं। दोस्तों आपको ये टेस्ट कर लेना है कहीं ढील तो नहीं तो निकल सकता है। दोस्तों हमने दूसरा भी पेज इस तरह से कस ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों हमने दोनों पेज कस दिया है कुछ इस तरह से। अब दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये नट जो है इस साइड नहीं रहना चाहिए। दोस्तों उसमें टच नहीं करेगा, वो भी हम भी जानते हैं। ये देखो दोस्तों ये कोई टच नहीं करेगा। ये देखो इतना साइज है दोस्तों, ये टच नहीं करेगा। लेकिन इसको हम बगल रख देते हैं, ज़्यादा सेफ रहेगा कुछ इस तरह से। तो दोस्तों हमने कुछ गड़बड़ी कर दिया है। तो दोस्तों आपको इस तरह से गड़बड़ी नहीं करना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हम अंदर लगा कर तो आपको इसमें लगा के दिखाते हैं। दोस्तों हमने ये गड़बड़ी कर दिया, इसको अंदर इस तरह से कुछ लगा लेना है पहले। दोस्तों पहले इस तरह से आपको लगा लेना है। दोस्तों इसके अंदर लगाने के बाद आपको एक गांठ देना है, जो कि हम आपको दिखा दे रहे हैं किस तरह से। दोस्तों अच्छी तरह से इसको खींच लेना है इस तरह से। हम इसको इस तरह से इसमें गांठ देंगे। दोस्तों आप इजीली इस तरह से आप बना सकते हैं, और आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम आपको इस तरह से बना कर आपको दिखा दे रहे हैं। दोस्तों हमने इसमें गांठ लगा दिया है। गांठ लगाने के बाद दोस्तों इसको हम इसके पलक में फिर से लगा देंगे जिस तरह से लगाए थे। चलो दोस्तों हम लगा के दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने इसका इस तरह से लगाने के बाद हम इसको अंदर की ओर प्रेस कर देंगे, जो कि ये अंदर बैठ जाए इस तरह से। दोस्तों दोनों को हम अंदर की ओर लगा देंगे कुछ इस तरह से। दोस्तों लगाने के बाद इसको ढक्कन को इसका जो बीच वाला है, हम इसको इस तरह से इसके अंदर खींच कर बैठा लेंगे। दोस्तों आपको इस तरह से कुछ बैठा लेना है। तो दोस्तों आपको इस तरह नचा देना है। तो दोस्तों ये मेरा बन के तैयार हो गया। अब मैं इसे चेक करते हैं। दोस्तों एकदम मस्त परफेक्ट बन गया है, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों हम इसको बोर्ड में इस तरह से लगा देंगे इस तरह से। दोस्तों आप इसमें लगा सकते हैं, ये देखिए दोस्तों। दोस्तों ये लग गया है। हम आपको इसका जो ये गया है कहाँ गया है, तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं ये मेरा काम करता है या नहीं। दोस्तों ये हमने साउंड में लगाया है, जो कि बाजा है। तो दोस्तों हम आपको साउंड दिखाते हैं किस तरह से साउंड में गया है। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हो हमारे लाइट आ गया है बोर्ड में। तो दोस्तों हम इसको बटन ऑन ऑफ कर देते हैं, तो हम इसे लगाएंगे। दोस्तों कुछ इस तरह से आपको लगा लेना है यहाँ पर। दोस्तों बहुत मस्त आइडिया है। दोस्तों यहाँ पर हमने वायर इसको इस तरह से ले गया है। दोस्तों इसमें एक साउंड है, तो दोस्तों आपको इसका इस तरह दिखाएंगे। दोस्तों ये देखो दोस्तों ये मेरा साउंड जल रहा है आपको। दोस्तों हमने इस तरह से इसे चला दिया है, ये देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ आया है। दोस्तों इसको हम बंद कर देते हैं तो वहाँ बंद हो जाएगा। दोस्तों हमने इस तरह से इसे बना दिया है।
दोस्तों अब हम इसको निकाल लेते हैं बोर्ड से। दोस्तों हमने इस तरह से बना दिया है, आप चाहे इसमें लगा सकते हैं चाहे इसमें लगा सकते हैं, ये बड़ा और छोटा दोनों हो जाएगा, इसमें आपका और फायदा हो जाएगा। वो प्लग क्या होता है दोस्तों, बड़ा छोटा नहीं होता है, एक समान रहता है, इसमें नहीं लग सकता है, इसमें लग सकता है। तो दोस्तों इसमें दोनों में लग सकता है, आप चीज़ जिसमें लगाएं। तो दोस्तों ये वाला आइडिया आपको कैसे लगा? दोस्तों इस तरह से आप प्लग बना सकते हैं जो कि ये गल जाए या बेकार हो जाता है। दोस्तों इस तरह से आप बना सकते हैं और अपना खुद का काम चला सकते हैं। याद रहे दोस्तों ये मोटर में नहीं काम करेगा, जिस तरह से बड़ा मोटर होता है जो कि हम नल जिसे बोलते हैं नल के लिए मोटर, उसके काम नहीं करेगा, ये गल जाएगा। दोस्तों वो बहुत पावर लेता है, ये भी नहीं उसमें चलता, ये भी गल जाता है। तो दोस्तों अगर उसका उसमें लगाना है तो दोस्तों आपको इसके लिए दूसरा प्लास्टिक, कड़ा वाला प्लास्टिक आपको ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों आप इस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये आइडिया हमें अच्छा लगा। दोस्तों हमने इतना सब बनाया, हमने आपके लिए पलक बनाया जो कि आपकी बचत हो सकती है। तो दोस्तों हमने इस तरह से बनाया है, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो हम अब वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं। दोस्तों तुरंत मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर अभी कम है, तो दोस्तों हम वीडियो बनाते जा रहे हैं, तो दोस्तों आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आज के बस इतना है, हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।